नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। रोहित शर्मा का वायरल वीडियो आया और क्रिकेट जगत में तहलका मचाया। जी हाँ, रोहित शर्मा जो इस समय मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि क्या कुछ चल रहा है मुंबई इंडियंस में, किस तरह से हार्दिक पांड्या और उनके बीच क्लैशेस चल रहे हैं, किस तरह से मुंबई इंडियंस उनको मनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन उसके बीच ये भी बड़े सवाल आ रहे हैं, और या फिर कहें कि जो बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं अंदर से, कि क्या रोहित शर्मा अभी भी मुंबई इंडियंस में रहेंगे या अगले साल कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे। इसी के बीच आपको याद होगा उनका अगला मैच आज होने वाला है केकेआर के खिलाफ, और इससे पहले जब जो प्रैक्टिस सेशन होता है वहाँ पर केकेआर एक वीडियो पोस्ट करता है अभिषेक नायर और रोहित शर्मा के बीच चल रही बात का। हालांकि बहुत क्लियर ऑडियो नहीं होता है, लेकिन जितना भी निकल कर सामने आता है तो वहाँ पर रोहित शर्मा साफ साफ बता रहे होते हैं, पॉइंटर्स में एक एक चीज़ करके आपको बताएंगे। तो वहाँ पर रोहित शर्मा साफ तौर पर कहते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अब वो किस वजह को लेकर कहते हैं, क्या वो इंडियंस की को लेकर कहते हैं या किसी और बात को लेकर, ये साफ नहीं है। उन्होंने कहा चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और उसके बाद वो कहते हैं खैर मैं कहीं नहीं जाने वाला, और इसके बाद कहते हैं वो भाई वो मेरा घर है, और इसके बाद कहते हैं वो जो मंदिर मैंने बनाया है वो उसको छोड़कर मैं नहीं जाने वाला। और इसके बाद बड़ी खबर आती है जब वो लास्ट में कहते हैं खैर मुझे क्या, ये तो मेरा लास्ट है। और इसके बाद क्या कि यार ने वो वीडियो तो डिलीट कर दिया, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ से खड़ी हुई। और इसके बाद कुछ फैंस ने जो ये वीडियो डाउनलोड कर रखा था उन्होंने जब शेयर करना शुरू किया तो ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और कंट्रोवर्सी खड़ी होना शुरू हो गई कि आखिर केकेआर ने डिलीट क्यों किया और रोहित शर्मा ने ये क्यों बोला कि ये तो मेरा लास्ट है। अब क्या ये उनका आईपीएल लास्ट है या मुंबई इंडियंस के लिए सीज़न लास्ट है या फिर टी ट्वेंटी जो इंटरनेशनल है वो लास्ट है, उनका वर्ल्ड कप लास्ट है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सियाँ अपने आप में खड़ी होने लगी। अब खैर ये तो साफ नहीं हो पाया अभी भी, ना कोई ऑफिशियल बयान आया इस पर, लेकिन बड़ी खबर जो ये आ रही है कि रोहित शर्मा के लिए साथ सब कुछ ठीक तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब फिलहाल आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा किस बारे में लास्ट बात कर रहे हैं, क्या आईपीएल लास्ट है या मुंबई इंडियंस के साथ उनका ये जो सीज़न है वो लास्ट है या कुछ और। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए। मैं गौरव, धन्यवाद।